सास बहू चिकन लेग पीस चैलेंज। बस्तीपुर नाम के एक गांव में एक रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा की अभी नई शादी हुई थी, उसका पति सोहन शहर में जॉब करता था। रीमा यहां अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रीमा को खाने में चिकन बहुत पसंद था, वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी, वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती। तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा। ससुर जी? ओ ससुर जी। हाँ बहू रानी, बोलो। ससुर जी मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है, तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा, मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है, आप क्या जानोगी इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत हैं बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ, इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले। चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है। अरे जाने दो, कोई बात नहीं, चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेश्वरी की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वरी, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस। आए, लगता है इसके सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदम खोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ। रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को दो दो हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो, मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था, वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी, क्यों बहू हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।
शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है।